भी हाल में मुझे 200 किलोमीटर टच करना है। प्लीज राणे भाव, मैं पूरे पैसे लौटा दूंगा, मुझे बस एक दिन दे दो। भाव भाव भाव, ये क्या कर रहे हो भाव? मेरी उंगली कट जाएगी भाव। 1 लाख के बदले एक उंगली, और कुल कितने लाख चुकाने हैं तुझे मेरे? 10 लाख। भाव मुझे एक दिन दे दो, 10 क्या 20 लाख मिलेंगे तुम्हें। कल की कार रेस मैं ही जीतूंगा, इसलिए कह रहा हूं सारे पैसे मुझ पे लगा देना। विक्रांत के रहते तू तो ये रेस जीतने से रहा, उससे तू सिर्फ हारता ही आया है। भाव तुम भूल रहे हो, मैं एक बार जीत भी चुका हूँ। वो इसलिए क्योंकि उसने रेस पूरी ही नहीं की थी। अगर उसने रेस बीच में से ही नहीं छोड़ा होता तो तेरा कोई चांस नहीं था बेटा। हो सकता है कि विक्रांत कल की भी रेस पूरी ना कर पाए, इसीलिए कह रहा हूं सारे पैसे मुझ पे लगा देना, फायदे में रहोगे। Jay, my boy, is my baby ready? Yes, sir. एकदम रेडी है। और देखना, कल की रेस आप ही जीतोगे। Tell me something I don't know, Jay. By the way, क्लच को फाइन ट्यून कर दिया? हाँ सर, कर दिया ना। Good. Peace out. सर एक मिनट, पैसों के लिए कुछ सोचा सर आपने? सर फैमिली में थोड़ी इमरजेंसी है। Jay, तुम जानते हो ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम्हें तुम्हारे काम की सैलरी टाइम पे मिलती है ना, तो अपनी ये फैमिली प्रॉब्लम्स लेके मेरे पास मत आया करो। ठीक से काम करोगे तो अगले साल तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा।
बिजनेस मैन श्री ओब्राय के बेटे विक्रांत की कल रात एक स्ट्रीट कार रेसिंग के दौरान हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक अन्य कार रेस ड्राइवर आरव शर्मा को विक्रांत के हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के अनुसार आरव शर्मा के खिलाफ कुछ निर्णायक सबूत मिले हैं पुलिस को। ये आजकल के रिच स्पॉइल्ड ब्रैट्स, सर इन्हें लगता है कि कुछ भी कर लेंगे और कोई इन्हें छू भी नहीं सकता। ब्लडी मर्डरर। आरव एक रिच स्पॉइल्ड ब्रैट हो सकता है लेकिन मर्डरर नहीं। मिस्टर शर्मा आई आई। सो आप इन्हें जानते? नहीं, इन्हें जानता तो नहीं लेकिन अब इतना जरूर जानता हूँ कि आरव के पिता हैं मिस्टर शर्मा, क्योंकि एक पिता ही हो सकता है जो सुबह सुबह सूट बूट पहन के अपने करोड़ों का कारोबार छोड़कर अपने बेटे के लिए पैरवी ढूंढने आए। वैसे हर पिता को अपनी संतान निर्दोष लगती है। और आपने एक ही सेंटेंस में ये साबित कर दिया केडी साहब के मैंने यहाँ पर आकर कोई गलती नहीं की। केडी साहब मैं पैसा पानी की तरह बहा दूंगा, बस आप मेरे बेटे को बचा दें। मिस्टर शर्मा पानी की तरह पैसे बहाने से न्याय नहीं प्राप्त होगा, और वैसे भी मैं पैसों के लिए केसेस में लड़ता। आप बहुत ही फेयर इंसान हैं केडी साहब, मैंने बहुत कुछ सुना आपके बारे में। एक मौका दीजिए मेरे बेटे को, एक अमीर बाप का बेटा होने की सजा मत दीजिए उसे, प्लीज जस्ट मीट हिम वंस। केडी, विक्रांत की मौत सल्फर डाइऑक्साइड की पॉइजनिंग की वजह से हुई। उसके कार के एयर फ्रेशनर में सल्फर डाइऑक्साइड मिला है। ठीक है, लेकिन इससे ये कैसे प्रमाणित हो जाता है कि आरव दोषी है? एक मिनट, ये वीडियो रेस स्टार्ट होने से जस्ट पहले का। आरव ने एयर फ्रेशनर को पहले पॉइजन किया, फिर उसे विक्रांत की गाड़ी में लगवा दिया। वहां पे बहुत से रेसिंग फैंस मौजूद थे जो फोटोज और वीडियोज निकाल रहे। कोइंसिडेंटली एक लड़की ने ये क्राइम अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया। आपने जो कुछ भी वीडियो में देखा वो सब सच है, लेकिन पुलिस और लोग जो सोच रहे वो सच नहीं। मैं तो बस कार रेस जीतना चाहता था, लेकिन मैंने विक्रांत को नहीं मारा। तुमने विक्रांत को नहीं मारा, जो लोग कह रहे हैं वो सच नहीं है, जो पुलिस कह रही है वो सच नहीं है, तो सच क्या है यार? स्ट्रीट कार रेसर है आरव जी, और हमेशा विक्रांत से मात खाते रहते थे, तो प्रोफेशनली तो ये प्रूव हो गया कि ये लूजर है। और पर्सनल लाइफ में भी कंसिडरिंग हम लूजर, इनकी जो गर्लफ्रेंड थी शैरन, इन्होंने उनको छोड़ के विक्रांत की गर्लफ्रेंड बन गई, तो प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों में। ये था मोटिव नंबर वन। पाठक साहब मोटिव नंबर टू भी है योर ऑनर। आरव जो है उन पे 10 लाख रुपए का उधार चढ़ा था, अब ये चुकाने के लिए ये रेस जीतना बहुत जरूरी था, और रेस जीतना इम्पॉसिबल भी था क्योंकि विक्रांत था ना कॉम्पिटिटर, इसीलिए विक्रांत को मारा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मर्डर वेपन पाठक साहब, सल्फर डाइऑक्साइड योर ऑनर, जिसकी पॉइजनिंग से मौत हुई विक्रांत की, वो सल्फर डाइऑक्साइड एक एयर फ्रेशनर में था, और वो एयर फ्रेशनर विक्रांत जी के कार में पाया गया। एंड इन टर्न वो एयर फ्रेशनर जो था वो शैरन ने रखा था उनकी कार में, लेकिन शैरन को दिया किसने? आरव। मैं यूं ही तो कुछ कहता नहीं हूं ना पाठक साहब, आई हैव प्रूफ योर ऑनर, विद योर काइंड परमिशन मैं एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाना चाहूंगा। अनुमति है। योर ऑनर, साबित तो कर चुका हूं मैं कि आरव ही कल्प्रिट हैं, लेकिन फिर भी पाठक साहब को सेटिस्फाई करने के लिए मैं उस गवाह को पेश करना चाहूंगा जिसने ये वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, मिस रिया। अनुमति है। रिया जी, कब से आ रही हैं आप ये रेस देखने के लिए? पिछले 2 महीने से ऑलमोस्ट। एंड टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आप विक्रांत की बहुत बड़ी फैन थी। आई एम सॉरी, हैं। विक्रांत से बेटर स्ट्रीट रेसर मैंने आज तक नहीं देखी, और ये बात आरव अच्छी तरह से जानता था, इसलिए इसने मार दिया विक्रांत को। सबूत पेश कर दिया, गवाह पेश कर दिया, फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहे तो। रिया जी, वहां तो अनेक लोग उपस्थित थे, तो उनमें से कोई भी हो सकता था विक्रांत का हत्यारा, लेकिन आप कह रही हैं बड़े जोशो खरोश से कि आरव ही था, क्या कारण है इसके पीछे? मैं भी शायद यही सोचती सर, अगर मैंने आरव की बातें नहीं सुनी। रचाए मत से आरव, हारना तो कोई तुमसे सीखे। तू भी एक बात समझ ले विक्रांत, तेरी पिछली जीत थी तेरी आखिरी जीत थी। और हाँ, गाड़ी जरा ध्यान से चलाना। All the best. Peace out, bro. और हर बार की तरह मैं अपने फोन पे वीडियो शूट कर रही थी। जब मैंने वीडियो शूट किया तब तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि आरव क्या कर रहा है, लेकिन विक्रांत की डेथ के बाद जब मैंने वो वीडियो दोबारा देखा, आई न्यू इट कि आरव ने ही विक्रांत को मारा है, और इसीलिए मैंने इमीडिएटली वो वीडियो पुलिस को दे दिया। शैरन जी, आपने जब विक्रांत की कार में वो एयर फ्रेशनर लगाया तब क्या आपको पता था कि उसमें पॉइजन था? अगर मुझे पता होता
कि उसके अंदर पॉइजन है, तो मैं उसकी गाड़ी में कभी कार फ्रेशनर नहीं लगाती। हमने वीडियो में अभी भी देखा कि जब आरव आपको वो एयर फ्रेशनर दे रहा था, तब उसने आपसे कुछ कहा। क्या कहा आप जज साहब को बताएंगे प्लीज? उस कार फ्रेशनर को विक्रांत की गाड़ी में लगा दो, आज के बाद हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म। समझा? क्षमा चाहता हूँ शरण जी, आपसे एक निजी प्रश्न करना पड़ेगा मुझे। कृपया अदालत को बताइए कि आप विक्रांत से प्रेम करती हैं या आरव से? एक्सक्यूज मी, व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज दिस? नहीं, अगर वो विक्रांत की गर्लफ्रेंड है तो विक्रांत से ही प्यार करेगी ना? यू नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज जसवाल साहब? नो, आप किसी बात पर ध्यान नहीं देते। अभी अभी आप ही की गवाह ने क्या कहा कि आरव ने इनसे कहा था कि हमारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व हो जाएगी, हमारी मतलब आरव की और इनकी। चलिए कुछ क्षणों के लिए भूल जाते हैं इस बात को। ये बताइए कि जब आरव ने आपको एयर फ्रेशनर दिया, आपने जाकर उसे विक्रांत की गाड़ी में लगा दिया, ये जानते हुए कि विक्रांत और आरव की नहीं बनती, तो हो सकता है, संभावना पैदा होती है, इट्स पॉसिबल कि आप चाहती थी कि विक्रांत के सामने आरव ये रेस जीत जाए, और जब आरव ने आपको एयर फ्रेशनर दिया विक्रांत की गाड़ी में उसे लगाने से पहले, वो विष, वो पॉइजन आप ही ने उसमें डाला हो, और फिर आप बड़ी कन्वीनियंटली सरकारी गवाह बन गई और आरोप बेचारे आरव के सर पे लगा दिया। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये सच नहीं है तो सच क्या है, बताइए ना प्लीज शरण। आरव, मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, तुमने सब लोगों को ये क्यों कहा कि तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप हो गया? स्वीटहार्ट, एक छोटा सा झूठ है, वो झूठ जो मुझे स्ट्रीट कार रेसिंग का चैंपियन बना देगा। मैंने देखा है कि वो विक्रांत तुम्हें किस तरह से देखता है, और एक बार हमारे ब्रेकअप की न्यूज उसे मिल गई ना, तो देखना किस तरह वो तुम्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। और मैं चाहता हूं कि तुम उससे प्यार का झूठा नाटक करके उसकी गर्लफ्रेंड बनके उसके पास चली जाओ, और तुम उसके सारे सीक्रेट्स, उसके रेसिंग टैक्टिक्स, उसकी स्ट्रेटजीज आके मुझे बताओ, ताकि मैं उसे हरा सकूं। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब ने जो दलील रखी थी कि शरण आरव को छोड़कर विक्रांत की प्रेमिका बन गई थी और इसी ईर्ष्या में आरव ने विक्रांत की हत्या की, जसवाल साहब ये दलील तो धूल झाट गई। योर ऑनर, रहा प्रश्न कि आरव ने उस एयर फ्रेशनर में कुछ मिलाया था, मैं अदालत को बताना चाहूंगा कि अंततः आरव ने उसमें क्या मिलाया। सर, मैंने विक्रांत की कार फ्रेशनर में एक हल्का सा सेडेटिव मिलाया था, जिससे गाड़ी चलाते वक्त उसे हल्की सी नींद आ जाए बस। लेकिन सर, डोज बहुत माइल्ड था, उससे बस उसकी कॉन्सेंट्रेशन टूटती, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। कौन सा सेडेटिव मिलाया था तुमने? आइसोफ्लोरिन। आपकी मेज पर जो फोरेंसिक्स की रिपोर्ट रखी हुई है वो भी यही कहती है। अब आप ही बताइए जसवाल साहब, अगर आरव विक्रांत को मारना चाहता था तो उस एयर फ्रेशनर में केवल एक माइल्ड सा सेडेटिव क्यों मिला था? क्योंकि योर ऑनर, फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि एयर फ्रेशनर में आइसोफ्लोरिन भी मिलाया गया था, तो पॉसिबल है कि आरव ने सल्फर डाइऑक्साइड के साथ आइसोफ्लोरिन भी मिलाया हो, ताकि जब वो पकड़ा जाए तो वही थियरी दे सके पाठक साहब जो अभी अभी आपने दी। क्योंकि योर ऑनर, हमने वीडियो में साफ साफ देखा है कि आरव ने एयर फ्रेशनर में कुछ मिलाया था, अब वो कुछ सल्फर डाइऑक्साइड था या आइसोफ्लोरिन था, हमें कैसे पता? मिस्टर पाठक, मिस्टर जायसवाल की बात सही है, आपकी भी दलील थ्योरेटिकली सही है, और उसे सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ ठोस सबूत पेश करने होंगे, जिसके लिए अदालत आपको समय देती। यह अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। हाय सर, सर आई एम रियली सॉरी, कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई। कार फ्रेशनर पे आरव और शरण के फिंगरप्रिंट्स मिले थे, गाड़ी में बैठने के पहले विक्रांत बिल्कुल ठीक था, बस रेस खत्म होने से पहले उसकी डेथ हो गई। सर, बीच का लिंक सिर्फ वो कार फ्रेशनर है जो आरव ने गाड़ी में प्लांट करवाया था। सो आई थिंक मे बी वी आर रॉन्ग, शायद आरव ने ही मर्डर किया। डीप सी डाइविंग पे ये डॉक्यूमेंट्री देखी तुमने? नहीं। ये डाइवर्स समुंदर की गहराइयों में जाके शोध करते हैं, जबकि ऐसा करने की इन्हें कोई आवश्यकता नहीं। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो या तो ऑनलाइन प्राप्त हो सकता है या पुस्तकों से। तो फिर सोचो अधीरा, कि डाइवर समुंदर की गहराई तक जाकर शोध क्यों करते हैं? क्योंकि विश्व में भी कई ऐसे सत्य छिपे हैं जिन्हें खोजने के लिए हमें उन तक जाना पड़ता है। इसलिए अगर आरव और विक्रांत की गुत्थी को सुलझाना है तो हमें उनकी दुनिया में जाना पड़ेगा। सो
Are you ready for a car race tonight? Cool. Hi. आप लोगों के रेस में एक नए प्रतियोगी की आवश्यकता है। सर आप यहाँ एम्बेरस होने क्यों आए हो? जाओ जाकर गोल्फ वगैरह खेलो, आप यहाँ फिट नहीं होते हो। मैंने तो सुना था कि यहाँ बागी मिलेंगे जो सामाजिक सोच और कायदे से ऊपर होंगे, लेकिन यहाँ तो कोई बात नहीं। चलो धीर, यहाँ तो सारे बच्चे हैं। सर वन मिनट सर, सर ये रेस विक्रांत की मेमोरी के लिए है और विक्रांत का ये कहना है कि रेस जीतने के लिए गाड़ी नहीं गूदा होना चाहिए। ये लीजिए मेरी गाड़ी की चाबी और जाइए जाकर दिखाइए रेस ट्रैक पर आप में कितना गट्स है। सर ये कोर्ट रूम नहीं है, अभी भी टाइम है, आप लौट जाइए वरना हार जाएंगे। हार से डर उनको लगता है जो जीतने आते हैं। मैं तो बस खेलने आया हूँ, आई एम हियर टू प्ले। और आप च्युइंगम चबा कर थूका है आपने, बैड हैबिट, बुरी आदत है। अक्सर बुरी आदतों से इंसान का विनाश होता है। व्हाई डोंट यू पिक इट अप? सॉरी सर। थैंक यू। अधीरा। हाय। तुम विक्रांत के टेक्नीशियन हो ना? हाँ। आई मस्ट से काफी सुना है तुम्हारे बारे में। थैंक्स। इन रेसिंग्स को असली स्पीड तो मैंने ही दिया। मतलब? विक्रांत की कार में सबसे पहला नाइट्रो बूस्टर मैंने ही लगाया था। नाइट्रो बूस्टर? वो क्या होता है? जादू होता है मैडम, बस एक बटन दबाया और कार रॉकेट बन जाती है। वाओ, दैट्स ग्रेट। So you mean ये रीजन है विक्रांत की हर रेस जीतने का? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो उसका टैलेंट था। वैसे भी आजकल सब कार्स में नाइट्रो बूस्टर्स ऑलरेडी होते हैं और रेस के आखिरी लैप में ड्राइवर इसे खुद एक्टिवेट करते हैं। मतलब केडी सर के कार में भी होगा? ऑफ कोर्स होगा ना। ग्रेट, कुड यू प्लीज टेल मी इसे एक्टिवेट कैसे करते हैं? हेलो सर। हाँ दीना बोलो। सर बाकी ड्राइवर्स नाइट्रो बूस्टर यूज कर रहे हैं स्पीड बढ़ाने के लिए, आपकी गाड़ी में भी है? नाइट्रो बूस्टर होता क्या है मुझे नहीं पता। सर गियर के पास दो बटन हैं, एक रेड एक ब्लू, आप पहले ब्लू वाला बटन दबाइए, इससे इंजन तक जाने वाले वाल्व्स क्लियर हो जाएंगे। सर अब रेड वाला बटन दबाइए, इससे कार के इंजन में नाइट्रस ऑक्साइड पहुंच जाएगा और आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। Thanks. लेकिन आपको आपकी विक्ट्री का थोड़ा क्रेडिट मुझे देना चाहिए। अगर मैंने आपको लास्ट लैप में उस नाइट्रो बूस्टर के बारे में नहीं बताया होता, आप शायद रेस हार जाते। हाँ, नाइट्रो बूस्टर बड़े कमाल की चीज है। 5 ही मिनट में पूरा खेल बदल गया। मतलब मैं पूरे रेस में पीछे था और 5 ही मिनट में विक्रांत भी पूरे रेस में लीड कर रहा था और अंतिम 5 मिनट में जिंदगी और वो रेस दोनों हार गया। नाइट्रो बूस्टर। एक काम करो, ये जो आदमी है इसके बारे में पता लगाओ, पूरी जानकारी प्राप्त करो और राठौर से कहना
के इन सारी चीजों का फोरेंसिक टेस्ट कराए तुरंत। डॉक्टर मात्रे, हम सब जानते हैं कि विक्रांत की मृत्यु सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हुई। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट भी यही कहती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक किसी व्यक्ति को मृत्यु तक पहुंचने के लिए कितना समय चाहिए हो? 100 ppm, यानी 100 पार्टिकल पर मिलियन के तादाद में ये गैस इंसान को 5 मिनट में मार सकती है। और आपने रिपोर्ट में देखा ही होगा सर कि विक्टिम विक्रांत ने इस गैस को इससे ज्यादा मात्रा में इनहेल किया था। धन्यवाद डॉक्टर मात्रे। योर ऑनर, डॉक्टर मात्रे ने हमें अभी अभी बताया कि जिस तादाद में सल्फर डाइऑक्साइड पाया गया उतनी तादाद में किसी व्यक्ति को मृत्यु तक पहुंचाने के लिए 5 मिनट काफी होते हैं योर ऑनर। किंतु विक्रांत के केस में ऐसा नहीं था। रेस शुरू होने के पश्चात 10 मिनट तक वो रेस को लीड करता रहा योर ऑनर। अंतिम 5 मिनटों में फिनिश लाइन तक पहुंचने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। योर ऑनर, अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आरव ने उस एयर फ्रेशनर में सल्फर डाइऑक्साइड मिलाया होता तो रेस के आरंभ होने के 5 मिनट पश्चात ही विक्रांत की मृत्यु हो जाती। किंतु ऐसा हुआ नहीं। रेस के अंतिम चरण, अंतिम 5 मिनटों में विक्रांत की मृत्यु हुई, जिसका यह अर्थ होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड किसी ऐसी वस्तु में था जिसे रेस के अंतिम 5 मिनटों में सक्रिय किया गया। मन कंफ्यूजन, आई हैव बीन गोइंग थ्रू द रिपोर्ट्स इन ऑल रिगार्ड्स। ये कार जिस स्पीड में चल रही थी, आप कह रहे हैं कि लास्ट 5 मिनट्स में वो पॉइजन इंसर्ट किया गया, तो चालू कार में सिर्फ अकेला ये विक्रांति था, तो किसने इंसर्ट किया, कैसे इंसर्ट? नॉस, नहीं समझेंगे आप। ये सिलेंडर देख रहे हैं, इसी में। योर ऑनर, अब ये कैसे हुआ ये समझाने के लिए मैं टीवी पर एक वीडियो दिखाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है? धन्यवाद योर ऑनर। योर ऑनर, ये नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर है जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड गैस भरा जाता है और रेस की गाड़ियों में लगाया जाता है। इसे ऑन करते ही ये गैस गाड़ी के इंजन में जाता है, जिसके कारण गाड़ी का ईंधन भारी मात्रा में जलता है और गाड़ी की गति एकाएक कई गुना बढ़ जाती है। योर ऑनर, इस सिलेंडर में एक पाइप भी लगा होता है जो बाहर की तरफ होता है, सिलेंडर में बने दबाव गाड़ी के बाहर फेंकने के। हमारे इस केस में जाँचकर्ताओं से एक भूल हो गई। उन्होंने जब कार फ्रेशनर में सल्फर डाइऑक्साइड पाया तो उन्होंने गाड़ी की आगे जांच करने की आवश्यकता नहीं समझी। सत्य तो यह है यार कि विक्रांत की गाड़ी में भी ये नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर लगा हुआ था, किंतु इस सिलेंडर में नाइट्रस ऑक्साइड के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड भी मिक्स किया गया था यार। दुर्भाग्यवश यार ऑनर, रेस के अंतिम चरण में जब विक्रांत ने इसे ऑन किया, योर ऑनर, गाड़ी की गति तो बढ़ी, किंतु किसी ने बड़ी चालाकी से सिलेंडर में लगा पाइप जो सिलेंडर की गैस को बाहर की ओर फेंकता है योर ऑनर, उसे विक्रांत की गाड़ी की अंदर की ओर कर दिया था और वो पूरा सल्फर डाइऑक्साइड गैस विक्रांत की गाड़ी के अंदर आया और 5 मिनटों के भीतर ही उसकी मृत्यु हो। योर ऑनर, कुल मिला के इन बातों का ये अर्थ निकलता है कि वास्तव में आरव ने उस कार फ्रेशनर में कोई विषैला गैस नहीं डाला था, बल्कि किसी व्यक्ति ने आरव को फंसाने के लिए विक्रांत की मृत्यु के बाद वो गैस कार फ्रेशनर में डाला। I like it. Nice, nice, nice. I appreciate your research, पाठक साहब. लेकिन लास्ट पॉइंट आई डोंट अग्री। मतलब ये जो आप कह रहे हैं कि किसी ने आरव को फंसाने के लिए विक्रांत की मौत के बाद कार फ्रेशनर में सल्फर डाइऑक्साइड मिलाया, ये भी तो हो सकता है कि विक्रांत की मौत के बाद आरव ने अपने आप को बचाने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड मिलाया योर ऑनर, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए, एज पाठक साहब सेड, कार फ्रेशनर में भी तो सल्फर डाइऑक्साइड था। और पाठक साहब, क्या है, कार फ्रेशनर जो होता है ना, उसमें धीरे धीरे वो बाहर निकलता है पदार्थ और धीरे धीरे पॉइजन फैलता है गाड़ी में, तो मौत भी धीरे धीरे होती है। 5 मिनट में मर जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है ना साहब? आपकी सुई से मेरे को प्रॉब्लम है। चुभती है ना? नहीं, आपकी सुई अटकती है एक ही जगह। अच्छा, तो आप साबित कीजिए किसी ने किया ना, साबित चाहिए आप। हाँ जी, किए दे। योर ऑनर, मैं विक्रांत की गाड़ी के इंजीनियर जय को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ।
अनुमति है। जय साहब, अभी अभी मैंने जो कहा सुना होगा आपने, समझा भी होगा। क्या लगता है आपको, मैं सही कह रहा हूँ? जी हाँ सर, पॉसिबल तो है, लेकिन उसके लिए स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है। हाँ, जो कि आपके पास है। सर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आपकी जो टेलीफोन रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, आपके मोबाइल फोन की और विक्रांत साहब के मोबाइल फोन की, कितनी बार आपने SMS किया है विक्रांत को पैसों की मांग, 6 लाख रुपए मांगने के लिए। आप अपनी बहन को अस्पताल में दाखिल करना चाहते थे, पैसे नहीं थे आपके पास, दिए वो पैसे विक्रांत ने आपको? नहीं दिए। किंतु फिर विक्रांत की मृत्यु के दूसरे ही दिन आपने अस्पताल में पैसे जमा करके अपनी बहन को एडमिट कर दिया, वो पैसे कहाँ से आए आपके पास? कुल मिला के बात तो ये है कि आपने किसी से पैसे लेकर विक्रांत को अपनी मृत्यु तक पहुँचाया। किसने दिया आपको पैसे? सर, मैंने विक्रांत को नहीं मारा सर। सर, मुझे राणे ने पैसे दिए थे, लेकिन विक्रांत की कार का नेट्रो बूस्टर खाली करने के लिए, उसमें जहर भरने के लिए नहीं। जय सच बोल रहा है। ये रख 6 लाख रुपया। आरव के कहने पर मैंने सारे पैसे उस पर लगवा तो दिए, लेकिन आरव ने ये रेस अब तक सिर्फ एक बार जीता है, जब 2 महीने पहले बीमार पड़ने की वजह से विक्रांत ने रेस बीच में से ही छोड़ दिया था। तब तू विक्रांत की कार में से नाइट्रो बूस्टर्स खाली कर दे, फिर आरव की जीत पक्की। पाठक साहब, मैंने कहा था कि मर्डर वेपन एक ही है, वो है वो कार फ्रेशनर जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड था। और मैंने ये भी कहा था सच कि विक्रांत की मौत के बाद आरव ने अपने आप को बचाने के लिए उस सिलेंडर में सल्फर डाइऑक्साइड भरा था। योर ऑनर, सबूत गवाह सब कुछ पेश कर चुका हूं, अब कोई डाउट बचा नहीं है। पाठक साहब के पास कोई गवाह सबूत बचा नहीं है, प्लीज आप अपना डिसीजन सुना दीजिए। आरव इज अ मर्डर। मिस्टर पाठक एंड मिस्टर जायसवाल, अगली सुनवाई में आप दोनों अपने अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट्स पेश करेंगे, तभी अदालत अपना फैसला सुनाएगी। द कोर्ट इज एडजर्न। सर, ये पिछले 3 महीनों के हर रेस के पिक्चर्स हैं। रेसर्स और फैंस के मोबाइल से जो भी रेस रिलेटेड डेटा मिला है, मैंने वो सब कलेक्ट कर लिया। गुड गुड। एंड सर, वन मोर थिंग, इसमें विक्रांत के टेक्नीशियन जय ने मेरी बहुत मदद की। सर, मुझे नहीं लगता कि ही इज इन्वॉल्व इन द मर्डर। ये विक्रांत की गाड़ी है ना? जी सर। और ये भी विक्रांत की गाड़ी? क्या गाड़ी कब चेंज की थी उसने? नहीं सर, गाड़ी वही है, सिर्फ कलर चेंज हुआ है। कलर चेंज हुआ है? कलर के साथ साथ गाड़ी का बम्पर कैसे चेंज हो गया? सी, गाड़ी वही है लेकिन कलर अलग, बम्पर अलग। प्रश्न ये उठता है कि क्यों? ये कब की फोटो है? 2 महीने पहले की सर। मेरी जानकारी के अनुसार विक्रांत अपने करियर में एक ही रेस आ रहा है, और वो रेस भी 2 महीने पहले हुई थी, जिसके बाद ऑब्वियसली उसने गाड़ी का बम्पर और कलर चेंज किया। इंटरेस्टिंग। अदीरा, मुझे लग रहा है कि इस केस में जो कड़ी हमसे छूट रही थी, वो कड़ी कहीं ना कहीं इस बम्पर में अटकी हुई है। सर, बट आई हैव अ क्वेश्चन। अगर मर्डर आरव ने नहीं किया है, तो फिर किसने किया होगा? एंड सर, एयर फ्रेशनर में भी तो पॉइजन मिला था ना, वो कहाँ से आया होगा? एंड सर, वन मोर थिंग, अगर मर्डर वेपन नाइट्रो बूस्टर सिलेंडर है, तो फिर एयर फ्रेशनर में कोई पॉइजन क्यों डालेगा? गुड जॉब अदीरा, वेरी गुड क्वेश्चन। तुम्हारा यही प्रश्न इस केस को सुलझाएगा। मिस्टर पाठक, क्या है ये? योर ऑनर, ये प्रेशर कुकर है। योर ऑनर, इस केस का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा। नहीं नहीं पाठक साहब, ये आपके अल्टरनेट प्रोफेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। केस अब हार चुके हैं, फाइनल स्टेटमेंट दे दीजिए। नहीं, पहले सीटी बजाऊं। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं प्रदर्शन करके दिखाऊंगा। अनुमति है। धन्यवाद।
क्या खिचड़ी पका रहे हैं? कब बजेगी सीटी? अभी बजेगी सीटी। योर ऑनर, कुकर में जब पानी नहीं होगा तो भाप नहीं निकलेगी, भाप नहीं निकलेगी तो सीटी कैसे बजेगी? क्या बात है जायसवाल साहब, जीवन में संभवतः तो पहली बार आपने अकल की बात की है। योर ऑनर, जायसवाल साहब बिल्कुल उचित कह रहे हैं, जब तक प्रेशर कुकर में पानी नहीं होगा, भाप नहीं बनेगा तो सीटी कैसे बजेगी। ठीक उसी तरह योर ऑनर, विक्रांत की गाड़ी का नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर अगर खाली होता तो ये नहीं होता जो हुआ था। देखिए, योर ऑनर, जैसा कि आपने देखा, विक्रांत की गाड़ी से हाई प्रेशर से गैस निकल रहा था, जिस प्रकार से प्रेशर कुकर में प्रेशर बिल्डअप होने के बाद वो भाप सीटी द्वारा बाहर आता है, उसी प्रकार योर ऑनर, गाड़ी के नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर में जब प्रेशर बनता है तो इस प्रकार से रिलीज होता है, इसे नाइट्रस पर्च कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है योर, कि अगर जय ने वो सिलेंडर खाली किया था तो फिर इस प्रकार से प्रेशर रिलीज गैस कैसे निकला? इसका अर्थ यह निकलता है यारोन, कि संभव है कि जय ने उस सिलेंडर को खाली किया तो फिर उसके बाद कोई तो है जिसने उस सिलेंडर को भरा, या फिर हूबहू वैसा ही सिलेंडर उसे विक्रांत की गाड़ी में फिट किया जिस कारण से विक्रांत की मृत्यु हुई। मिस्टर पाठक, अगर आरव ने यह कत्ल नहीं किया है तो फिर किसने किया? यारोनर, जब से यह केस आरंभ हुआ है हम यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि अंततः मृत्यु कैसे हुई विक्रांत की, सल्फर डाइऑक्साइड से? वो सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ था एयर फ्रेशनर में? वो एयर फ्रेशनर किसने दिया? आरव ने। किंतु एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम पूछना भूल गए हैं कि वो व्यक्ति कौन था जिसने विक्रांत की मृत्यु के पश्चात उस एयर फ्रेशनर में सल्फर डाइऑक्साइड डाला। योर ऑनर, अब यह व्यक्ति तो वही हो सकता है जिसे ये जानकारी रही हो कि आरव ने शरण को एयर फ्रेशनर दिया था विक्रांत की गाड़ी में लगाने के। अब तीन ही व्यक्ति वहां थे योर ऑनर, आरव, शरण और तीसरा वो व्यक्ति योर ऑनर जो उस समय वहां रेस में भी उपस्थित थी और यहां भी उपस्थित थी। रिया, रिया, व्हाट नॉनसेंस, ये क्या सबूत क्या है आपके पास? जसवाल साहब, आपसे एक बात पूछता हूँ। दो घटनाएं हुई हैं यहाँ इस केस में, उनका उल्लेख हुआ है बार बार, एक विक्रांत की मृत्यु और दूसरी उसकी हार, वन एंड ओनली टाइम जब विक्रांत कोई रेस हारा था। आपने जब अपने गवाह से पूछा था कि वो कब से रेस ट्रैक पर जाने लगी है, क्या कहा था उसने? दो महीने। योर ऑनर, दो महीने पहले की बात है, रिया के साथ एक घटना घटी थी, रोड एक्सीडेंट में इनके भाई की मृत्यु हो गई थी। योर ऑनर, ये रहा रिया का उस घटना पर कथन। रिया ने पुलिस से कहा था कि किस गाड़ी से टक्कर लगी उन्होंने नहीं देखा, ना ही गाड़ी के ड्राइवर को देखा। ये वही दिन था जिस दिन वो रेस हुई थी जिसमें विक्रांत हारा था, क्योंकि मध्य रेस में ही विक्रांत ने रेस छोड़ दी। उसके दूसरे ही दिन यार विक्रांत ने न जाने क्यों अपनी गाड़ी का कलर और बम्पर बदलवा लिया। उसके गैराज की रिपोर्ट हमारे पास है यार। मेरे कहने पर इंस्पेक्टर राठौड़ ने विक्रांत के वर्कशॉप की तलाशी ली और उन्हें वहां वो पुराना वाला बम्पर मिला। योर ऑनर, इस समय पुलिस की हिरासत में विक्रांत की गाड़ी का पुराना बम्पर है जिस पर लहू के छींटे पाए गए। और वो लहू के छींटे रिया के भाई के हैं। उसकी रिपोर्ट आपकी मेज पर रखी हुई। योर ऑनर, रिया भली भांति जानती थी कि उसके भाई का किस गाड़ी से टक्कर हुआ है और वो गाड़ी कौन चला रहा था, परंतु फिर भी उसने पुलिस से झूठ बोला कि उसने कुछ नहीं देखा। आपकी अनुमति हो तो मैं रिया को बुलाकर पूछना चाहता हूं कि उसने ऐसा क्यों किया। अनुमति है। अब रिया जी, कृपया बताइए, आप जानती थी कि आपके भाई को
किसकी गाड़ी ने उड़ाया, वो गाड़ी उस समय कौन चला रहा था, किसके कारण उसकी मृत्यु हुई, लेकिन पुलिस को आपने झूठ बोला। आपकी गवाह कुछ बोल नहीं रही, अदालत में चुप्पी का अर्थ तो आप जानते हैं। चलिए मैं ही बता देता हूँ, हुआ ये था रिया जी कि आपने देखा था विक्रांत को उस दिन गाड़ी चलाते हुए और आपके भाई को उड़ाते हुए। पुलिस को आपने उसका नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहती थी विक्रांत के लिए। इसी कारण आप फैन बन के 2 महीने से रेस ट्रैक पर जाती रही। आपने योजना भी बना दी थी कि किस प्रकार से आप विक्रांत को मारेंगे। फिर अचानक आपने देखा कि आरव ने वो एयर फ्रेशनर दिया शरण को, आपको अपना अवसर मिला। जय ने जो टैंक खाली करके रखा था उसकी जगह में आपने नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से भरा टैंक विक्रांत की गाड़ी में फिट किया, जिस कारण विक्रांत की मृत्यु हुई। आपने अपना बदला ले लिया, है ना? मैं कुछ पूछूं? हाँ पूछिए ना जयसवाल सर। लेट मी जस्ट रिमाइंड यू सर, आपने ये कहा था कि ये सारा काम जो है चेंज एनओएस वगैरह वो वही बंदा कर सकता है जो टेक्निकली एक्सपर्ट हो, क्या कहते हैं हिंदी में वो, विशेषण। विशेष तो ये रिया कैसे? आपको पहले भी कहा था मैंने। क्या होमवर्क करके आया कीजिए। पूछा नहीं आपने रिया जी से कि उन्होंने किस विषय में निपुणता हासिल की है? पूछिए सर, बताइए। जसवाल साहब पूछ रहे हैं किस विषय में अभ्यास किया है। बोलो बोलो। इनकी तो सीटी बंद हो, बोलती बंद हो गई है बिल्कुल। मैं बता देता हूँ, इंजीनियर है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, पास्ड विद ऑनर्स। Order, order, silence in the court. Am I right or am I right? चलिए आगे की कहानी बताइए। एक सवाल मैं पूछिए। ऑनर्स किया है, चलो ये भी मान लिया, लेकिन मुझे ये समझाइए आप पाठक साहब कि इतने सारे लोगों के बीच में गाड़ी में से एक सिलेंडर निकालना, दूसरा डालना, हाउ इज इट पॉसिबल? किसी ने देखा ही नहीं। जयसवाल साहब, देख लिया होता तो पकड़ी नहीं जाती। शांत रहिए, वो भी साबित कर दूंगा। हाँ तो रिया जी, आपका जो चलित फिरित दूरभाष यंत्र है, आपका मोबाइल फोन, आपको तो पता ही होगा उसमें GPS होता है। मोबाइल नेटवर्क द्वारा हमने पता लगाया कि आप उस दिन कहाँ कहाँ थी, तो पता चला कि 30 मिनट तक आप विक्रांत के गैराज में थी जहाँ उसकी गाड़ी पार्क हुई थी रेस से पहले। मैं उनके गैराज गई थी, बट उन्हें अपने बेस्ट विशेष देने के लिए गई थी, लेकिन गैराज लॉक था। लगभग 30 घंटा मैं बाहर खड़ी रही, टैक्सी का वेट करती रही, और जब टैक्सी आई तो मैं लौट गई। बड़े अचरज की बात है कि फिर जब आप गैराज के अंदर ही नहीं गई क्योंकि बाहर ताला लगा हुआ था, तो विक्रांत की रेस कार के पास आपका च्युइंगम कहाँ से मिला? Order, order, silence, please. ये वही च्युइंगम है जो आपने खाकर थूक दिया था वहां गाड़ी के पास, और फोरेंसिक्स के अनुसार इसका DNA भी आपके DNA से मैच करता है। मैंने कहा था ना आपसे रिया जी कि बुरी आदतें जो होती वो एक न एक दिन इंसान की विनाश का कारण बनती है। अब क्या लगता है रिया, आगे झूठ बोलकर फायदा है या सच बोलना चाहो? ना, सच। अपनी भाई की मौत का बदला ले लिया मैंने। क्या होता पुलिस को सच बताकर? जमानत, फिर सालों केस, और वो आदमी खुला घूमता रहता अपनी अपनी महंगी गाड़ी के नीचे और लोगों को कुचलता रहता। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने भाई को इंसाफ खुद दिलाऊंगी। विक्रांत की फैन बनकर उसके रेस में जुड़ गई, और मौका मिलते ही मैंने तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मिस रिया को दोषी पाते हुए उसे गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और आरव को बाइज्जत बरी करती है और पुलिस को हिदायत देती है कि वो शहर में चल रहे इलीगल रेसेस को बंद करवाएं
और उनके ऑर्गेनाइजर्स पर अदालत में केस दायर करें। द केस इज क्लोज्ड। फड़क साहब। हाँ जयसवाल साहब, एक मिनट, आपके लिए एक भेंट है। हाँ, क्या बताइए? च्युइंगम। झूठी च्युइंगम मुझे क्यों दे रहे? तो रिया वाली है। ये रिया वाली नहीं, इसे मैंने चबाया है। सजा कर रखना अपने घर में। बज गई सीटी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।